अस्सलाम वालेकुम भाइयों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट पीटर्सबर्ग, जो कि एक रशिया का शहर है। तो सीन ऐसा है कि सेंट पीटर्सबर्ग का ट्रिप पूरा हो गया, अब जा रहे हैं मॉस्को। तो अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ सेंट पीटर्सबर्ग का जो रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे तीन चार रेलवे स्टेशन है। तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ मॉस्को आया रेलवे स्टेशन पे। सो आपने जो है इनकी जो एप्लीकेशन है 22.ru उस पर चेक कर लेनी है ट्रेन। अगर आपने ऑनलाइन टिकट बाय करनी है तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं टिकट, और अगर आपने यहाँ के लेनी है टिकट तो आप उस पर ट्रेन देख लीजिएगा और प्राइस वगैरह देख लीजिएगा, टाइमिंग वगैरह, और उस पर स्टेशन भी आ रहा होता है कहाँ से ट्रेन जाएगी। सो आपने वो देख के उस स्टेशन में चला जाना है। अब हमारी ट्रेन जा रही है मॉस्को वाया से, हमें यहाँ से टिकट देना है। तो हम यहाँ पे आए हैं, काफ़ी इन्होंने ज़बरदस्त ये वाला स्टेशन बना हुआ है। मॉस्को से हम जब आए थे वो इतना ख़ास नहीं था, लेकिन ये वाला स्टेशन काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इसके अंदर ये लॉकर है मेरे पीछे, इसके अंदर आप सामान वगैरह अपना सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे लाइक एयरपोर्ट की तरह जो है लाउंज इन्होंने बनाया हुआ है, बैठने वेटिंग एरिया जो होता है बैठने के लिए, तो बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने बनाया हुआ है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं ये लाउंज है यहाँ पे बैठने का। साइड में शॉप्स वगैरह बनी हुई है और ये लॉकर है यहाँ पे। लॉकर का पता नहीं क्या सीन है, कार्ड का कोई सीन है यहाँ पे, टिकट का, इसकी फीस वगैरह भी ये लिखी हुई है कि कितने घंटे के लिए आपने करना है और पैसे भी लिखे हैं। तो ये सीन है, बाकी अब जा रहा हूँ मैं काउंटर की तरफ, तो मैं आपको दिखाता हूँ काउंटर भी जहाँ से आपने टिकट बाय करना है और अंदर का सारा कुछ निज़ाम भी बताता हूँ, वीडियो देखते रहें। तो भाई जी ये सारा अंदर जाने का रास्ता ही है, आप जब सीधा आएंगे यहाँ से अंदर जाना है, ये पे स्टेशन वगैरह लिखे हैं सारे, और मेट्रो का जो है वो ट्रेन का टाइम वगैरह लिखा हुआ है, स्टेशन भी लिखे हैं। यहाँ से आप अंदर जाएंगे, मैं आपको रास्ता बताता हूँ यहाँ से आपने टिकट खरीदनी है, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का बड़ा इशू है, इंग्लिश समझ नहीं आती किसी को, तो इस वजह से मैं आपको पूरा रास्ता बताता हूँ कहाँ से आपने टिकट लेनी है। ये आगे सारे मेट्रो ट्रेन के जो है वो है स्टेशन है, जिस नंबर से आपकी ट्रेन जाएगी। तो यहाँ से लेफ्ट लेके सीधा आना, यहाँ से ये लिखा हुआ है लॉन्ग डिस्टेंस टिकट, तो यहाँ से आपने सीधा जाना है। सीधा जाके ये सामने जो है इनका काउंटर वगैरह बने हुए अंदर टिकट के, आपने काउंटर पे जाके जो है वहाँ से पहले टोकन लेना है, आपका नंबर आएगा, आपने स्क्रीन लगी हुई नंबर की, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से आपने टिकट बाय करनी है, ये मशीन लगी हुई है, लेकिन ये है रशियन में, सो आपने यहाँ से किसी को बोलना है वो आपको टोकन निकाल देगा। तो हमारा नंबर अभी एक घंटे बाद आएगा, अभी 416 चल रहा है हमारा, है कोई 460, तो ये सीन है। तो हम वेट कर रहे हैं अपने नंबर का, नंबर आते हैं तो दैन टिकट का पता करते हैं कैसी है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि टिकट हमें कितने की पड़ी और क्या कुछ, कौन सी टिकट आपने लेनी है, आपको कौन सी सूट करेगी अगर चीपेस्ट वे में जाना है। तो वीडियो देखते रहें। तो भाइयों फाइनली जो है टिकट मैंने ले लिया है, ये नया टिकट है, मुझे कोई पड़ा है 1776 का टिकट पड़ा है। अभी कोई 1 बज रहा है और 2:30 बजे जो है मेरी ट्रेन है यहाँ से मॉस्को के लिए। सो अब जो है, वैसे जब हम लोग आए थे तो हमें 1300 कुछ का पड़ा था, तो हमें अभी जाना था, अगर हम थोड़ा वेट करते तो हमें 1300 तक का ही टिकट मिलता, 1300-1200 का, लेकिन हमें जाना है, हमारी फ्लाइट है तो हमें निकलना है यहाँ से, तो इस वजह से हमने फिर ये लिया। लेकिन ये थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास भी ओके होती है, लोअर सीट ली है हमने क्योंकि ऊपर थोड़ा कंजेस्टेड होता है, लेकिन लोअर सीट ओके होती है। तो वीडियो देखते रहे, अभी मैं आपको यहाँ का व्यू वगैरह दिखाता हूँ, ठीक है।
सीन ऐसा है कि टिकट तो ले ली थी हमने और उस पर टिकट पर क्या लिखा हुआ है कुछ समझ में नहीं आता, यहाँ की रशियन लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इंग्लिश में कुछ भी नहीं होता। तो हमने एक पुलिस ऑफिसर से गेट नंबर पूछा, उसने हमें बताया, उसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी तो उसने बताया कि अभी आपका गेट नंबर नहीं आया, यहाँ पे स्क्रीन वगैरह लगी हुई, आप मेरे पीछे देख भी सकते हैं, दो स्क्रीन लगी हुई हैं बड़ी बड़ी। सो उसने बोला कि आधे घंटे पहले ट्रेन से एंट्री होने के डिपार्चर से ना गेट नंबर शो होता है, जिस तरह फ्लाइट्स में फ्लाइट एयरपोर्ट पे शो करते हैं। तो अभी 1:30 बज रहा है और 2:30 बजे हमारी ट्रेन है, तो अब वेट कर रहे हैं, आधे घंटे पहले गेट नंबर शो होगा, देन आहिस्ता आहिस्ता निकलेंगे आगे। तो बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने लाउंज बनाया हुआ है बैठने के लिए, यहाँ पे हर फैसिलिटी है, चार्जिंग पॉट लगे हुए हैं, हर सीट पे बंदा सुकून से रिलैक्स होकर बैठ सकता है, इस तरह एयरपोर्ट वाला निज़ाम होता है, सेम उन्होंने वैसे ही बनाया हुआ है। तो हम पाकिस्तान वाले जो है ना बहुत पीछे हैं, दुनिया से बहुत पीछे हैं हम, मुझे नहीं लगता कि हम कभी इधर तक पहुँचेंगे। सो ये अगर तब्दीली लानी है तो हमने खुद लानी है, जब तक आवाम नहीं सुधरेगी तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप ये चेक भी कर सकते हैं क्या ज़बरदस्त उन्होंने बनाया हुआ है, बहुत ज़बरदस्त निज़ाम है। सो सेंट पीटर्सबर्ग को अल्लाह हाफिज़ करते हैं, बहुत सारी यादें यहाँ पे छोड़ के जा रहे हैं, सीरियसली पहली बार इस तरह हुआ है कि कहीं ट्रैवल किया और वहाँ से जाने का दिल ना कर रहा, बहुत यानी कि दिल लग गया था यहाँ पे और बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया, बहुत ज़बरदस्त जगह ट्रैवल करने के लिए, बस क्या बोले, जाना तो है, कहीं भी रुक तो नहीं सकते। तो अब जा रहे हैं मॉस्को, दैन अब मॉस्को को एक्सप्लोर करेंगे, तो वीडियो को देखते रहें, पूरी वीडियो देखें, अभी मैं आपको रास्ते की सारी जर्नी इंजॉय करवाऊंगा, सारा कुछ बताऊंगा, जो कुछ होगा, जो एक्सपीरियंस होगा, सारा कुछ आपको मॉस्को पहुंचने तक बताऊंगा। तो वीडियो देखते रहें, अगर आपके लिए थोड़ी सी सो भाइयों गेट नंबर आ गया, अब गेट की तरफ जा रहे हैं, जो हमारा ट्रैक नंबर है उस पे जा रहे हैं हम लोग, सामान वगैरह रखते हैं वहाँ पे, देखते हैं क्या सीन है ट्रेन का, अपनी सीट वगैरह देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का बड़ा सीन है, तो टाइम से चले जाओ तो अच्छी बात है, एंड का सीन बहुत खतरनाक है यहाँ पे। ये स्क्रीन लगी हुई है, सेकंड नंबर पे जो ट्रेन आ रही है ये हमारी है 255 और 9 नंबर गेट है, तो अब गेट की तरफ जा रहे हैं। तो भाइयों सीन ऐसे है कि ये हमारी ट्रेन खड़ी हुई है अभी पीछे, तो अच्छा हुआ कि जल्दी आ गए, यहाँ पे ये सामने पीछे एक और ट्रेन खड़ी हुई है मेरे, तो ये अलग है, 8 नंबर ट्रैक है और ये वाली 9 नंबर ट्रैक है, लेकिन यहाँ पे किसी को पता ही नहीं होता कि कौन सा ट्रैक है, जो यहाँ पे क्रू है इस ट्रेन का उनको ही नहीं पता, तो बोलती है इनके पास एक डिवाइस होती है, वहाँ पे पासपोर्ट ये डालते हैं, तो इनके पास रिकॉर्ड आ जाता है कि कौन सी ट्रेन है, तो उसके पास शो नहीं हो रहा, मैंने बोला ये क्या सीन है भाई, टिकट शो नहीं हो रहा हमारा, तो बोलती है हमारी ट्रेन नहीं है, आप 9 नंबर पे जाए, अब उसको पता ही है 9 नंबर सामने वाली ट्रेन है, हम वापसी गए हैं वहाँ से, फिर पता ही है, तो फिर पता चला कि ये वाली ट्रेन है। सो अभी चेक इन स्टार्ट हुआ है, अभी 10 मिनट खड़े हुए थे, तो अभी ये चेक इन स्टार्ट हो गया, गेट खुल गया, अभी अंदर जाएंगे, तो यहाँ का बकायदा यार जहाज वाला सीन है, बिल्कुल क्रू होता है, रॉसेस यानी जो जिस तरह होती है, तो वो सीन है यहाँ पे, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ट्रेन के अंदर का सीन। चेक इन स्टार्ट हो गई है, ये ट्रेन का जो है क्रू है, जिस तरह जहाज में रोस्टिस होती है, ये पासपोर्ट चेक करिए सबके, इनके पास डिवाइस है, उसके ना सारा रिकॉर्ड आ जाता है, आपकी कौन सी टिकट है और कौन सा बोगी नंबर है, सारा कुछ लोग ये अभी चेक कर रही है, हमारा पासपोर्ट अपनी डिवाइस में है, सब इनके पास रिकॉर्ड शो हो गया। भाइयों सीन ऐसे है कि पासपोर्ट वगैरह चेक करवा दिया था, इसने एंट्री कर दी थी यहाँ से,
तो सामान वगैरह हमने अंदर रखा है, अपना बेड वगैरह ठीक कर दिया। अब तो मैं आपको अंदर का व्यू दिखाता हूँ कि अंदर क्या सीन है, कैसा बेड वगैरह सारा कुछ जो है वो ठीक है। तो आप चेक करें यहाँ की ट्रेन। हर सीट के साथ जो है यहाँ पे बेड है, ये वाली सीटें जो इनकी बैठने की सीट भी बन जाती है और बेड भी बन जाता है। सो अब मैं जा रहा हूँ अपने बेड की तरफ। सो ये है मेरा बेड, ये है माजिद का बेड अभी। सो और ये आपका भाई है, चिल करें, आपको जर्नी एंजॉय करवाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त सीट मिली है यहाँ पे, चार्जिंग पॉड भी है दो लगे हैं। सो और ये टेबल है, इधर चादर और सारा कुछ है, सब कुछ है। या सो ये ऊपर हमारे आ गए भाई, ऊपर वाली सीट में जो है बड़ा मसला होता है, इस पर बैठ नहीं सकते, खाली लेके जाना है। चल पड़ी है, अभी 2:30 बज रहे हैं, फिक्स टाइम पे यहाँ पे ट्रेन चलती है। 2:30 बजे यहाँ से चली और सुबह पहुंचेगी 1 बजे मॉस्को पहुंचेगी, क्योंकि ये चीप ट्रेन है सो टाइम ज़्यादा लेती है पहुंचने के लिए। बुलेट ट्रेन होती है उसका किराया ज़्यादा होता है, तो ये अगर आपने चीपेस्ट वे में जाना है तो आप इसमें जा सकते हैं। सकून से आप यहाँ पे सोएं, चिल करके जाएं, VIP ट्रेन है और थर्ड क्लास ही लीजिएगा, फालतू में पैसे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। और उनको बोलिए कि मुझे नीचे की सीट दें, सो नीचे का चिल है। सुबह हो गई है, अभी सो के उठा मैं, रात में सो गया था फुल नींद के नशे में था, क्योंकि मैं कल रात भी नहीं सोया था, कल पूरा दिन नहीं सोया, कल ही 2 घंटे सोया था, दोबारा नहीं सोया, देन आज रात सोया हूँ सही वाला और सुकून की नींद आई है। तो चिल माहौल है, अभी 12 बज रहे हैं, तो कोई 1.5 घंटा है, 1:30 बजे ये मॉस्को पहुंचेगी ट्रेन, देन हॉस्टल जाएंगे हम लोग, देखते हैं मॉस्को में क्या सीन है। सो वीडियो देखते रहें, मॉस्को पहुंचने तक आपको ये दिखाता हूँ मैं क्या सीन है। असल में रात अंधेरा हो रहा था तो इतना बाहर दिख नहीं रहा था, इस वजह से मैंने रात में बनाई नहीं वीडियो, अभी आपको व्यू में चेक करवाता हूँ। फाइनली जो है इधर मॉस्को पहुंच गए, तो 1:30 बज रहा है, ट्रेन का टाइम फिक्स है, निकलती भी फिक्स टाइम पे और पहुंचती भी फिक्स टाइम पे। सो अभी मैं इस वक्त खड़ा हूँ लेनिन ग्रैस्की स्टेशन, मेट्रो ट्रेन स्टेशन है मॉस्को में, और सेंट पीटर्सबर्ग से चली थी मॉस्को आया मेट्रो स्टेशन से, तो 1700 का मुझे टिकट पड़ा यहाँ पे मेट्रो का, और बड़ी ज़बरदस्त मेट्रो थी, वॉशरूम वगैरह साफ़ सुथरे, बेड वगैरह हर चीज़ थी। VIP सीन था, आपका भाई तो सो गया है, ये मेरे पीछे खड़ी है मेट्रो, तो ट्रेन खड़ी भी है, तो यहाँ पे मैं स्टैंड कर रहा हूँ, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो मुझे
मैसेज कर देना या कमेंट में लिख देना। सो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।